आज का टॉपिक है हमारा हिमेटोलॉजी के अंदर लैबोरेटरी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में वर्किंग इन हिमेटोलॉजी लैब के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे कि हिमेटोलॉजी लैब के अंदर काम करते वक्त क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, क्या चीज़ डेंजरस है, क्या चीज़ हमारे लिए एज अ फैसिलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्शन है, हैजार्ड है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हैजार्ड्स उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, कैसे उससे सेफ्टी हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं हैजार्ड से बचने के लिए, वो सारी चीज़ें समझेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर हम चलेंगे, एक्सपेरिमेंट वन, एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट थ्री, आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी एक नोटबुक बना दो जिसमें एक्सपेरिमेंट वाइज आप लिखते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट वन में, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग इन हिमेटोलॉजी लैब। प्रिकॉशन किस चीज से क्यों जरूरी है, प्रिकॉशन किसी भी चीज में, खाली लैब में नहीं, इन जनरल अगर हम बात करें, बाइक चलाते हैं, प्रिकॉशनरी हेलमेट पहनते हैं और गियर्स पहनते हैं, ठीक है, नीज का पहनेंगे, हैंड का पहनेंगे, जो स्पोर्ट्स बाइकर होते हैं वो जब पहनते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, सेफ्टी है, किचन में जाते हैं, ऑयल पे काम कर रहे हैं तो फ्लेम का ध्यान रखते हैं, टोर करते हैं वक्त ध्यान रखते हैं, सेफ्टी में ले सकते हैं, गर्म ऑयल होता है तो उसको कहीं ऐसी जगह रखते हैं जिस पर पानी का छीटा ना जाए या कोई ऐसी जगह जहाँ रैपिडली हार्ट टच ना हो जाए, ठीक है, चल रहे होते हैं रास्ते में वो भी सेफ्टी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने राइट या लेफ्ट साइड देखते हुए चलते हैं, रोड के कॉर्नर में चलते हैं, ऐसा नहीं है अपनी सड़क के बीचों बीच पर टहलते हुए निकल गए तो गाड़ी में टहला देती होगी, ठीक है। तो प्रिकॉशंस की क्यों जरूरी है, प्रिकॉशंस जरूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो उस काम को करते वक्त कोई हादसा ना हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से वो काम रुक जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेके चलते हैं, आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके खुद के वो नीडल ना प्रिक हो जाए, तो आप क्या करते हो, ग्लव्स पहनते हो, पोजीशनिंग ठीक रखते हो, प्रोसीजर बढ़िया रखते हो जिससे आपको खुद को प्रिक ना हो जाए, ठीक है, या गलती से प्रिक हो गए तो सेफ्टी मेजर्स रखते हो, फिर इमिडिएटली उसको क्लीन करोगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे स्टरलाइज करने का, फिर 6 महीने बाद टेस्ट लगा के देखोगे कि कोई भाई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है हमें, या 3 महीने बाद टेस्ट लगा के देखोगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है हमें, ठीक है, क्लियर है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, लैबोरेटरी का क्या इंट्रोडक्शन है, रीड इट आउट फॉर मी। लैबोरेटरी इज प्रोबेबली द मोस्ट हैजार्डस प्लेस इन एनी मेडिकल सेटअप। लैबोरेटरी वर्कर्स आर एक्सपोज्ड टू बी ए वैरायटी ऑफ हैजार्ड्स एंड हेंस मस्ट ऑब्जर्व सर्टेन प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज एज मच एज पॉसिबली। Laboratory hazards mainly arise from suppose ये एक laboratory का area है, ठीक है, ये आपकी entry है, यहाँ से sample की entry है, ठीक है, ये room first हो गया जिसको हमने reception बोल दिया, ये room second हो गया जिसमें हमने collection बोल दिया, ये रूम थर्ड हो गया जिसे हम सेपरेशन बोल देंगे, सेपरेट होगा भाई, बायोकेमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री जाएगा, हेमेटोलॉजी का हेमेटोलॉजी जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजी जाएगा, यहाँ से सेपरेट होगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट हमने ले लिया आगे, ठीक है, यहाँ एक स्टरलाइजर रूम ले लिया, जब आप आओगे बाहर के कपड़े डालोगे, लैब के कपड़े पहनोगे और लैब में एंटर करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स हैं हमारे पास, अलग अलग हैं, हम हर सैंपल को एज अ पॉजिटिव सैंपल लेके चलते हैं, ठीक है, अगर कोई हमारे पास ब्लड आता है और हम उसको एचआईवी लगा रहे हैं तो रिजल्ट आने से पहले हम उसे एज अ रिएक्टिव ट्रीट करते हैं, क्यों, जिससे हम अपनी सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली रख सकें, उसे अचीव कर सकें, क्लियर है, ठीक है। तो वहां पे कोई भी लैबोरेटरी आप कहीं जाओगे तो उसमें क्या है, उसके एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, किसी का स्पूटम सैंपल है खुला, किसी ने स्नीज किया, ब्लड सैंपल है गिर गया,
क्या है, एनवायरमेंट में एक्सपोज हो रहा है बैक्टीरिया कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ी देर में तो एक्सपोज होगा ना, हवा चल रही है ना, पंखा ऑन है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा विंड की वजह से, छोटे से मॉलिक्यूल में वाटर ड्रॉपलेट में मूव कर गया, आप पे बैठ गया, आपकी इम्यूनिटी भी क्या आपको हो जाएगा, मेरे भी क्या मेरे को हो जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस के केस में कई बार देखा जाता है जो टीबी के सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे टीबी का सेक्टर रन किया था, वहाँ मैक्सिमम टेक्नीशियन को डॉट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है 6 महीने साल भर के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट इतना हैजार्डियस होता है कि उनका इम्यूनिटी 365 दिन में से जिस दिन वीक हुआ उसी दिन अटैक कर जाता है बैक्टीरिया। मेडिसिन होती है ट्यूबरक्लोसिस की, 6 महीने साल भर के टेस्ट कराते हैं वो कि हमें तो नहीं हो गया है, उसका रीजन है वो भाई 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितने घंटे वो वहाँ लैब में काम कर रहे हैं वो एक्सपोज्ड है उस एनवायरनमेंट के, वो एक्सपोज्ड है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के, और किसी एक दिन उनकी इम्यूनिटी वीक हुई, मास्क ढंग से नहीं पहन पाए, इसी वजह से उन्होंने मास्क नीचे किया, वहाँ पेशेंट था उसने स्नीज कर दिया, छींक दिया, वो बैक्टीरिया इन्हेल हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनी कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं है वही कंडीशन हो, तो एक्सपोजर ज्यादा होता है तो चांसेस रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही रिस्क को घटाने के लिए आज हम समझेंगे और आगे इसमें क्या करते हैं। लेबोरेटरी हजार मेजर अराइज फ्रॉम 3 चीजों से ज्यादातर अराइज होता है हजार, 3 चीजें मतलब मोटे मोटे तौर पर 3 ऐसी चीजें हैं जहां से हजार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले इन्फेक्टेड स्पेसिमेन, जो सैंपल आ रहा है वो 110% इन्फेक्टेड है, आप बोलोगे नहीं सर हेल्दी पर्सन का भी तो आता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, बिल्कुल हेल्दी है तो अच्छी बात है, लेकिन 80-90% तक जो सैंपल है वो अनफिट होते हैं, मतलब हेल्दी नहीं होते हम लोगों के लिए, 20% ही ऐसे लोग हैं जो हेल्दी चेकअप कराते हैं, 20 से भी कम होंगे इंडिया में। अगर आप तंदुरुस्त हो आप नहीं जाओगे डॉक्टर के पास, आप रूटीन चेकअप पे जाओगे ही नहीं, कभी देखोगे ही नहीं कि हाँ मेरी आंखें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, जब तक इधर धुंधला दिखाई दे रहा है यार दिख नहीं रहा, चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, बुखार 3 दिन हो गए वो तब नहीं रहा, चलो डॉक्टर के यहाँ, 3 दिन तक क्या कर रहे थे गोलियां मार रहे थे, मैक्सिमम करते हैं लोग, कभी कभार हम भी कर लेते हैं, आज बुखार हुआ बारिश में ठीक के आए थे खाली छोड़ो सही हो गए ठीक है, नहीं बताओ डॉक्टर को पूछ लेंगे क्या हुआ था बताओ, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हम लोगों के पास जो वहां सैंपल आता है लैब के अंदर वो इंफेक्शन होता है, उसकी वजह से हैजार्ड होने के चांसेस होते हैं पहला। दूसरा होता है आपका केमिकल्स, जिस केमिकल से आप टेस्ट लगा रहे हो वो आइदर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, न्यूट्रल तो होगा नहीं तभी रिएक्शन हो रही है, तो वो हमारे स्किन के लिए क्या होता है डेंजरस होता है, दिक्कत कर सकता है। आप लगा रहे हो बैनेडिक से कंटिन्यू हीट कर रहे हो, वो गर्म प्रदूषण आपके हाथ से गिर जाए और आपने ग्लव्स ना पहना हो क्या होगा, स्किन बर्न हो जाएगा, एलर्जी हो सकती है, कई सारे ऐसे केमिकल हैं जो इचिंग करने लगते हैं, इरिटेशन करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स है, उसमें नीडल भी है, उसमें एस्पिरेशन नीडल है, उसमें केमिकल नीडल है, मशीन में आप काम कर रहे हो चलती हुई मशीन में आपको गलती से हाथ लग गया और नीडल आके टच हो गई एस्पिरेट करने वाली, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कोई वाटर लीकेज हुआ या कोई सॉल्यूशन लीकेज हुआ, आपने उसे ध्यान नहीं दिया, वहाँ पकड़ा मशीन को आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, फायर कॉज हो गई हीट होने की वजह से, सर्किट ज्यादा रूम का टेम्परेचर आपको ध्यान नहीं रहा कितना ज्यादा हो गया 28-30 क्रॉस कर गया, सर्किट हीट हो गया, सर्किट हीट होने की वजह से फायर कॉस्ट हो गई, ऑटो क्लेव लगा रखा था विसिल खराब है इंडिकेटर खराब है ऑटो कट हुआ नहीं ब्लास्ट कर गया, ऑटो क्लेव ब्लास्ट करना मतलब प्रेशर कुकर ब्लास्ट करने से 10 गुना ज्यादा है, 5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर का हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है, जब वो ब्लास्ट होता है तो छत फाड़ देता है, क्रैक आ जाता है इतना सॉलिड ब्लास्ट होता है, ऑटोक्लेव तो उससे ज्यादा ही बड़ा होता है 20 लीटर 25 लीटर के आसपास का होता है, तो वो जब ब्लास्ट करेगा तो सोचो कितनी ज्यादा हैजार्डियस कंडीशन होगी। बर्नर रखे रहते हैं कई जगह, बंसन बर्नर होते हैं उसके साथ में सिलेंडर रहता है, सिलेंडर लीक कर गया ध्यान दे रहा ब्लास्ट हो गया,
इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स रहती है, ध्यान दीजिए हीटिंग कॉइल बर्न हुई, नीचे कोई फाइबर या कुछ वुडन का आइटम था उस पर टच हो गया, हीट लग गई और फायर कॉज हो गया, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट से भी हैजार्ड होने की कंडीशन, एक्सीडेंट होने की कंडीशन देखी जाती है। वाटर बाथ है यूज कर रहे हो, अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, आपका पानी में गलती से हाथ लग गया, जो हमारे लेबोरेटरी में आते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी की बात करूं, स्पेशली इन हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी के अंदर आपके मोटे मोटे तौर पे तीन टाइप के सैंपल आते हैं। पहला है आपका इसमें ब्लड, उसके बाद स्टूल और फिर यूरिन और स्पूटम, सॉरी स्टूल और यूरिन तो एक ही हो गया, स्पूटम। मोटे मोटे तौर पे हिमेटोलॉजी के अंदर में ये तीन सैंपल आते हैं। हाँ कुछ कह रहे थे, हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के अंदर में आता है, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो, माइक्रोस्कोपी करते हो ना, बायोपिगमेंट बाइज करते हो, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, माइक्रोस्कोपी में सेल ऑब्जर्व करते हो वो तुम्हारा हिमेटोलॉजी का पार्ट है, बैक्टीरिया ऑब्जर्व करते हो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, कल्चर लगाते हो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, यूरिन से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन कीटोन एल्ब्यूमिन ग्लोबिन लगा रहे हो वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट चला जाएगा, यूरिन कीटोन बॉडी लगाते हैं बायोकेमिस्ट्री में चला गया, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे हमारे पास तीन चार सैंपल आते हैं, जो कि सबसे प्राइमरी सैंपल जो होता है हमारा मोस्टली ब्लड होता है हिमेटोलॉजी का, ठीक है। ब्लड में क्या होगा आपके इसमें हैजार्डियस, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो एचआईवी, हेपेटाइटिस, एचसीवी, ठीक है, एचआईवी, एचसीवी, एचबीएसएजी, ये सारे टेस्ट क्या है, हैजार्डियस टेस्ट है। आप ब्लड ग्रुप लगा रहे हो, कोई एचआईवी पॉजिटिव है आपको पता नहीं है, सपोज मान लो एक एक्स नाम का पेशेंट है, ठीक है, उसने कहा जी मेरा ब्लड ग्रुप बता दो, आपने सैंपल ले लिया, ठीक, उसने ना बताया ना आपने पूछा कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो क्या, आप एचआईवी रिएक्टिव हो क्या या एचसीवी रिएक्टिव हो क्या, बिल्कुल पूछ सकते हो, मेडिकल हिस्ट्री पूछ सकते हो, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो ऑटोमेटिकली बताएगा हाँ जी मैं एचसीवी पॉजिटिव हूँ या एचसीवी रिएक्टिव हूँ। तो उस टाइम पे आपको कलेक्शन का प्रोसीजर भी चेंज करना होगा इमीडिएटली, रीयूजेबल आइटम यूज नहीं कर सकते, नॉन रीयूजेबल जाओगे लेके, यूज किया थ्रो किया क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लो आपने ले लिया ब्लड ग्रुप लगा लिया, आपके नीडल प्रिक हो गई, इसने बताया नहीं आपने पूछा नहीं, पता ही नहीं है क्या होगा, चांसेस है आपको हो सकता है, चांसेस है आपको नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हैजार्डियस कंडीशन है। स्टूल में क्या होता है कि कई बार स्टूल आता है आप ओपनली पैथोलॉजिकल लैब में 15 मिनट 10 मिनट खोल के छोड़ देते हो, आप सैंपल लगा रहे हो ढक्कन खोल, तो यहां भी देखते हो ना लैब में भी यूरिन की स्ट्रिप डाली ढक्कन खुला हुआ है पड़ा हुआ है, ऐसे ढंग से पैक करते हैं नहीं, ऐसे रख देते हैं ढक्के, बैक्टीरिया तो एनवायरमेंट में घूम रहा है ना, और कोई टीबी पेशेंट हो तो उसके तो स्कूल में भी आएगा, या वो स्पूटम देके गया तो आएगा, स्पूटम दे गया बैक्टीरिया है एनवायरमेंट में एक्सपोज होने पे इनएक्टिव होता है, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी एक्टिव हो जाएगा, पेशेंट आया खोल के रखा एयर फ्लो से बैक्टीरिया एनवायरमेंट में आ गया, ठीक है, आपने ब्रीथ किया मास्क नहीं था इनहेल हो गया, फेवरेबल कंडीशन के लिए डेवलप कर गया, कोविड हो रहा था ना स्नीजिंग से ही फैल रहा था,
सार्स स्नीजिंग से फैल रहा था, कोविड का छोटा भाई है? सिम्टम्स है, कई सारे इम्यूनाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्ड बैक्टीरियम डिप्थीरिया टाइफाइड बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे क्या है, ये स्टूल से आ जाते हैं। स्पूटम से आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। बहुत सारी ऐसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो आपकी सिंपल आपने स्नीज किया, मैंने इनहेल कर लिया तो वो मुझे होने के चांस बढ़ जाएंगे। डिपेंड्स ऑन माय इम्यूनिटी, कई बार इम्यूनिटी वीक है, हो गया अटैक, करो क्या करो। तो उस केस में क्या किया जाता है, सैंपल को कैपिंग अच्छी होनी चाहिए, लूज कैपिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कवर्ड होना चाहिए। प्रॉपर जब आप उसको यूज करें तो आपने पीपीई पहना हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हो आपने। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हेड से, हेयर कवर, गॉगल्स, मास्क, फेस शील्ड, कवर हो गया ऊपर का, लैब कोट, ग्लव्स, लैब कोट लंबा होता है घुटनों से नीचे तक जाता है, और नीचे शूट कवर। काम करते वक्त पेन मुंह में नहीं डालना होता, कईयों की आदत होती है, लिख रहे हैं पेन मुंह में चबा रहे हैं, वही यूरिन के टेबल पे रखा हुआ है, वही उस पे टेबल का, वही तुम्हारे मुंह में भी जा रहा है, उसको मिला के ले लो फिर अच्छे से। हैजार्ड फ्रॉम केमिकल्स, अब यहाँ केमिकल्स कौन कौन से हैं, अलग अलग आप रिएजेंट यूज करते हो, अल्कोहल यूज कर सकते हो, HCl यूज करते हो, हीमोग्लोबिन लगाते हो साल इस मेथड से, N/HCl होता है, अब तो रेडीमेड आ रहा है, पहले बनाते भी थे, करते थे। रिएजेंट है, कई सारे ऐसे रिएजेंट है, एसिडिक रिएजेंट होते हैं, कई बेसिक रिएजेंट होते हैं, कई सारे ऐसे हेमेटोलॉजी के वैसे सैंपल टेस्ट रिएजेंट्स हैं जो अगर आपके स्किन पे गिर जाए तो रेडनेस कर देंगे, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाएंगी। लाइस है, डाइल्यूएंट है, अगर वो गिर गया आपके हाथ पे तो क्या होगा, इरिटेशन करेगा, रेडनेस करेगा, स्वेलिंग कर सकता है, क्लियर है। तो ये केमिकल्स क्या है, ये हार्मफुल है। अब इनसे कैसे बचा जाए, अगेन पीपी पहना होना चाहिए, प्रॉपर आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कितनी देर तक उसको हीट करना है, कितनी देर तक उसको कोल्ड करना है, कितनी देर तक उसको रेफ्रिजरेट करना है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए कि हमें इन्फेक्ट ना हो उससे। देखो NABL कहता है कि जब तक आप हमारे प्रोटोकॉल पे नहीं चलेंगे तब तक हम उसे मान्यता नहीं देंगे, ठीक है। अब आ जाता है कि भाई आप लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है, और आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, फॉर एग्जांपल आपने पीपी उतार दिया, एक इमरजेंसी का पेशेंट आता है, एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड ग्रुप बताना है, और लैब में कोई नहीं है आपके अलावा, दूसरे ड्यूटी वाला अभी आया है, वो रेडी नहीं हो पाया है, तो उस केस में क्या किया जाए, उसको ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड ग्रुप बताना इमीडिएटली जरूरी है। तो उस केस में आप मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी करोगे, एटलीस्ट ग्लव्स तो पहनोगे ही। आप कहोगे नहीं सर ग्लव्स भी नहीं अपने पास, तो रिस्क आपके ऊपर, आप करना चाहते हो आप करो, वैसे अलाउड नहीं है। देखो कौन देता है कौन नहीं देता है, यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं है कि जी फला लैब वाले देते हैं फला लैब वाले नहीं देते हैं। एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है, फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है। बाइक चलाता है, लाइसेंस है, हेलमेट पहन के चलाता है, क्यों मना है, क्यों चलाता है, मर्जी है ना, चला रहा है अपनी मर्जी से, जब एक्सीडेंट होगा तब समझ में आ जाएगा। तो बाइक चलाने के लिए आपको लेदर शूज होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, गार्ड्स होने चाहिए, ये ड्राइविंग के लॉज है। कोई पहनता है चप्पल भी निकल जाते हैं कभी कभार, तो और टेंशन मारने के लिए स्टंट और कर रहे होते हैं, चलान कटता है उसके बाद, ठीक है। तो प्रिकॉशन इज इन योर हैंड, सबसे पहली चीज प्राइमरी, अगर आपको हजार से बचना है तो आपको प्रिकॉशन में रहना पड़ेगा। दूसरा, एक कुछ इथिक्स बनाओ, यही पे आता है लेबोरेटरी वर्किंग इथिक्स, कि हम इस मिनिमम
रिक्वायरमेंट में ही काम करेंगे, इससे कम होगा तो हम काम नहीं करेंगे, वो एथिक्स होगा आपका। सैंपल आया सामने वाला कुछ भी कहे कि नहीं जी ऐसे लिख के दे दो ना, टेस्ट लगेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। कलेक्शन कर लो, नहीं जी ग्लव्स होगा तभी कलेक्शन होगा। कुछ भी एथिक्स बनाओ, अब वेस्टेज भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप हर दो मिनट पे उसका वेस्ट कर रहे हो, उसको भी ध्यान रखना है। बड़ी फर्म है उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, टाइमिंग होता है कि कितनी देर तक आप किस डिपार्टमेंट रहोगे और किस कंडीशन में रहोगे। आप लैब के अंदर खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, अलाउड नहीं होता यार, लैब के अंदर आप ही नहीं ले रहे हो, आप चले जाओ किसी लैब, चाहे बिस्कुट नमकीन चल रही हो। वो क्या है, वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला काम। नो डाउट, ठीक है हम बैठ के चाय पी रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ एजाडियस नहीं है, क्या गारंटी है किसी का एलएफटी आया वो एचसीवी पॉजिटिव है, आपको नहीं पता हिस्ट्री उसकी, उसने बताया नहीं, आपने सीरम खोल के रखा हुआ है एनवायरमेंट में, एनालाइजर में कैप क्यों होता है, क्यूबेट में सैंपल डालते हो और उसके ऊपर कैपिंग होती है, वो क्यों होती है कि बाहर का एनवायरमेंट उस पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट ना करे, जहां एक्चुअल प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, हाँ किसी भी पेशेंट की पूछ सकते हो, अलाउड है मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर को पूछना जो सैंपल ले रहा है, जिसे मैं सैंपल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पेपर पे मेडिकल हिस्ट्री का पैटेंट पे सब पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये ओके है। पेशेंट जब आता है ना ओपीडी में तो पूछा जाता है उससे, डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है सीवी से, सर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं, सब ओके। डॉक्टर को ऑपरेशन से पहले मैंडेटरी टेस्ट है, HIV, HCV, HBsAg, BDRL, ये चार टेस्ट मैंडेटरी है। अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है तो डॉक्टर पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाएगा, मना कर देगा साफ। हाँ जी हजार में चल रहे थे ना, कौन सा हजार चल रहा था, केमिकल का चल रहा था, केमिकल वाला पार्ट समझ में आ गया भाई, कोई भी केमिकल है N/10HCl आपकी आंख में चला गया, एक्सीडेंट हो सकता है, फेशियल नहीं पहनी, गॉगल नहीं पहना, ठीक है ब्लड सैंपल कर रहे हो, 5 मिली आंख में चला गया, या कोई केमिकल था वही छटक के आंख में चला गया, उधर से फोजिया झाड़ रही है, इधर रिफान पड़ा है, गॉगल पहनेगा खुले जान के डाली है। अब इंफेक्शन केमिकल से कैसे हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है, केमिकल के से डायरेक्टली आप काम कर लो, इनडायरेक्ट मान लो टिश्यू पेपर से कोई केमिकल साफ करके आपने रख दिया, डालना डस्टबिन में था, रख दिया टेबल पे, इरफान भाई आए टेबल पे देखा, अच्छा चलो उठा लिया, फेंक दिया, पता लगा उसमें केमिकल लगा हुआ, हाथ पे लग गया साहब, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे में। एब्जॉर्प्शन में क्या है, आपने लैब कोट पहना हुआ, उसको कोई केमिकल मिल गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, वो आपने उसको ध्यान नहीं दिया, वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, तो वो अपना शॉर्ट कपड़े तक या कपड़े से स्किन तक चला गया, ठीक है। एक ये भी कंडीशन होती है जिसमें हैजार्ड हो जाता है। अब आपके पास जो फैसिलिटीज होती है उससे हैजार्ड क्या क्या हो सकता है, फैसिलिटी मतलब पंखा है, लाइट है, एसी है, कूलर है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, इंक्यूबेटर है, हॉट एयर ओवन है, एनालाइजर है, इन सब से भी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, सेंट्रीफ्यूज है, मान लो सेंट्रीफ्यूज अच्छा बैलेंस किया नहीं था, ऑन कर दिया घूम गए, सेंट्रीफ्यूज ही घूम गया, टेस्ट ट्यूब बाहर, सैंपल बाहर, फैला बढ़ाया पूरा, खिचड़ी बना दी उसने टेबल की, ठीक है। एनालाइजर है, रीडर आप रीड कर रहे हो, कुछ उसमें क्लॉट फंस गया, आपने ध्यान नहीं दिया,
आपने बिना सेफ्टी मेजर्स के उसका वो नोजल खोलने की कोशिश करी, प्रेशर था सैंपल पूरा आपके ऊपर या रिएजेंट पूरा आपके ऊपर, बैलेंस नहीं था, गिर गया, कोने में रखा हुआ बिल्कुल एज पे रखा हुआ है, जरा सा हाथ लगा सामान नीचे, जूते पहने नहीं है, हो गया काम, लैब में चप्पल अलाउड नहीं होती, शूज होते हैं वो भी लेदर के, कपड़े के शूज भी अलाउड नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, एब्जॉर्प्शन की वजह से, कोई केमिकल पैर पे गिरेगा कपड़े के जूते होंगे एब्जॉर्ब कर जाएगा और वो आपके सीधे पैर पे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब आ जाता है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लिया जाए, इतने सारे हमने हजार पढ़ लिए, केमिकल से भी पढ़ लिया, हर सामान से हजार पढ़ लिया, अब सेफ्टी क्या है, तो सबसे पहले याद रखना सेफ्टी का मतलब होता है एसओपी को फॉलो करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर चीज को करने के लिए कैंची चलाने का भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे लगाना है, इस तरीके से कट होगा, इतने मोटे पेपर में कट करना है, पेन में भी इंक पेन यूज नहीं करना, जेल पेन यूज नहीं करना, बॉल यूज करना है, इंक पेन यूज करोगे तुम्हारा रिजल्ट गिर गया, रिपोर्ट जहां पॉइंट लगाया था पॉइंट फैल गया, रिजल्ट क्या करोगे, सपोज सैंपल आया एच बी आया था, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं 19, इंक पेन से लिखा है, वन मिट गया, नाइन रह गया, कोई आया उसने देखा हाथ हटाया वो एक मिटा पड़ा है, उसने नौ लिख के भेज दिया, पेशेंट दिल जाएगा, डॉक्टर हो गएगा ब्लड चढ़ाओ या हीमोग्लोबिन बढ़ाने की मेडिसिन लिख देगा, डाइटिशियन डाइट बढ़ा देगा हीमोग्लोबिन वाला, वहां तो उन्हें सेल ही हो रहा था, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर एक टेस्ट का फॉलो करना है, लैब में एंट्री करते वक्त क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रखना है, लैब से एग्जिट करते वक्त क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, प्रोटोकॉल्स क्या है, तो वो प्रोसीजर जो आप एनवायरमेंट में एंटर और एनवायरमेंट से एग्जिट करते हुए फॉर द योर सेफ्टी एंड योर बिलोंगिंग सेफ्टी। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा फोन है, मैं गया लैब में, इसी फोन को मैंने टेबल पे भी रखा है, इसी को मैं कान से भी लगा रहा हूँ, यही मैं घर लेके भी जा रहा हूँ, इसमें बैक्टीरिया है बहुत सारे, तो प्रोसीजर क्या कहता है कि फोन का इस्तेमाल मत करो, कई लैब में फोन अलाउड नहीं होता, लॉकर में लॉक कर दिया जाता है, कई जगह अलाउड भी होता है तो कवरिंग लगाई जाती है, यूवी लाइट से इसको स्टेलाइज किया जाता है, यूवी लाइट का अपने पास मशीन पड़ा हुआ है, उसकी एक वीडियो भी बनाई है मैंने, किस तरीके से आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हो टाइम टू टाइम, डेली स्टरलाइज करना चाहिए नॉट टाइम टू टाइम, जो आप रेगुलर रूटीन वर्क में यूज कर रहे हो, जो आपका लैब में भी यूज हो रहा है, लैब के बाहर भी यूज हो रहा है, वो डेली स्टरलाइज होता है, लैब में एंटर करने से पहले और लैब में एग्जिट करने के बाद। कपड़े आपके रेगुलर क्लोथ जो पहनते हो वो चेंज करने होते हैं, तो ये प्रिकॉशंस है, ठीक है। खाना नहीं खाना टेबल पे, ये वर्किंग टेबल है इस पर खाना नहीं खा सकते, अलग से एक रूम है, वहाँ जाओ अपने पीपी चेंज करो, लंच करो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करो, फिर वापस से अपने पीपी पहनो, फिर आप लैब में एंटर करो, ये नहीं आज ही चाय लेना दो कप, वही सैंपल लग रहा है वही चाय की चुस्की लग रही, वही एक यूरिन की स्लाइड भी आ गई, चाय पीते पीते यूरिन की स्लाइड देख रहे हैं, पता उसी में चाय गिर गई या चाय में वो गिर गया, सवाल आ जाएगा, देख लो हर पीली चीज सोना नहीं होती, सूल भी हो सकता है, सुबह मस्त नहा धो के आए हो 12-15 सूल आ रखे, आनंद बात जाए। अब वहां क्या सेफ्टी रखना है, वहां ये सेफ्टी रखना है कि भाई जब आप स्कूल ओकल ब्लड लगा दो, सपोज एक टेस्ट होता है जो स्कूल में ब्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, 10 स्टूल के टेस्ट है, अलग अलग स्टूल से है, अलग अलग इसमें से स्मेल आ रही है, तो ज्यादा देर ढक्कन नहीं खोलना होता, ये नहीं कि पहले लाइन से सजाएंगे फिर ढक्कन खोलेंगे फिर ओकल ब्लड का टेस्ट है, इतनी देर में तो हो लिया था, बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाएगा एनवायरमेंट में, लो ढक्कन खोला लिया लगाया ढक्कन टाइट पैक और उसको कार्ड को जैसे रिजल्ट आए डिस्कार्ड, डिस्कार्ड करने का भी प्रोसीजर होता है, वो सेफ्टी मेजर्स में आता है, ठीक है। आप अगर मान लो कोई मशीन पे काम कर रहे हो तो उसकी अलग सेफ्टी,
प्रिकॉशंस होती हैं कि मशीन ऑन कैसे की जाएगी, ऑफ कैसे की जाएगी, उसको मेंटेन कैसे करना होगा, वो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस में आते हैं। तो ये था आपका लेबोरेटरी में इंस्ट्रक्शंस व्हाइल वर्किंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।